तो अहले मक्का का कहना है कि जो जबलुल कब है, ये जो पहाड़ है, इसी के बारे में बोला जाता है कि इसी के पत्थर जो है काबा के अंदर लगे हैं, काबा की तमीर के अंदर गरमा रखने के लिए। ज़िक्रा मक्का, ज़िक्रा मक्का हरम, वल्लाह कोई हिलो आदिया मक्का। वाटर ब्रो, वाटर ब्रो, वाटर ब्रो, वाटर ब्रो, वाटर ब्रो, वाटर ब्रो, वाटर ब्रो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वक़ास अहमद मक्कतुल मुकर्रमा से। तो जनाब क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज दिन है जुमे का, तो मैंने सोचा जाएंगे आज हरम में, तो इंशाल्लाह जुमा जो है वो हरम पाक में जाके अदा करेंगे। तो तकरीबन 9:30 बज रहे हैं, अभी मौसम माशाल्लाह अच्छा है, तो अभी चले जाएंगे, क्योंकि लेट जाते हैं तो फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर जगह भी नहीं मिलती है अंदर, रोड पे नमाज पढ़नी पड़ती है। और इंशाल्लाह आपको भी ज़्यारत कराएंगे, हरम शरीफ की नज़ारे जाके कराएंगे आपको भी इंशाल्लाह। और इन दिनों में जो है वो मक्का में, जद्दा में, तकरीबन सऊदीया पूरे में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जद्दा में कल हम गए हुए थे, क्योंकि जद्दा में तो रोज़ आना जाना लगा रहता है, काम के सिलसिले में जाते हैं, तो कल जद्दा में गए हैं समुंदर के ऊपर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे भी, जद्दा में भी, तो हवस है जद्दा के अंदर। मक्का में भी गर्मी है लेकिन मक्का में हवा चलती है, महसूस नहीं होती है इतनी ज़्यादा। तो इधर से हमने जो है रोड क्रॉस करनी है, जाएंगे वो सामने बस स्टैंड है, ये ले जनाब आ गई है बस, और बैठ गए बस के अंदर हम। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम उतर आए हैं बस स्टैंड के ऊपर, जो जरवल वाली साइड है, ये वही बस स्टैंड है जहाँ से आप मस्जिद आयशा के लिए जा सकते हैं, हुज्जाज जो है वो मस्जिद आयशा में जाते हैं इसी स्टैंड से ही, जरवल वाला, और इसको जबलुल काबा भी बोलते हैं। तो अहले मक्का का कहना है कि जो जबलुल काबा है, ये जो पहाड़ है, इसी के बारे में बोला जाता है कि इसी के पत्थर जो है काबा के अंदर लगे हैं, काबा की तमीर के अंदर, अल्लाह आलम। और आज काफ़ी रश होगा हरम के अंदर, क्योंकि बाहर से ही पता चल रहा है, जो आना अभी बस स्टैंड से उतरे हैं ना, काफ़ी रश है बाहर रोडों के ऊपर भी। हम जो है ना दो हफ्ते पहले आए थे, तो उस टाइम तो सही गर्मी थी, लेकिन आज मौसम जो है ना बनिस्बत पिछले दिनों के, वो अभी काफ़ी अच्छा है, उस तरह की गर्मी नहीं है, यानी हवा चल रही है साथ, महसूस नहीं हो रही है गर्मी। जिस जगह पे हम उतरे हैं ना, ये कभी वादी हुआ करती थी, यहाँ पे बिल्कुल जंगल था, ये जो जिस साइड पे हम आ रहे हैं जिस साइड से, ये बिल्कुल जंगल हुआ करता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मक्का की आबादी बढ़ी है, फिर साथ साथ जो है ये एरिया बिजी होता गया है, फिर ये इस साइड पे अभी अच्छी खासी आबादी हो गई है। अभी तो मक्का शहर जो है काफ़ी बाहर निकल गया है, बहुत ही बड़ा है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शहर था, ये बिल्कुल हरम के आसपास ही था। पहले की तरह हर जुम्मे में यहाँ पे जो है अहले मक्का वाले पानी तकसीम करते हैं, तो अभी भी यहाँ तकसीम कर रहे हैं पानी, हम भी पियेंगे ठंडा पानी यहाँ से, और फिर जाएंगे जो है हरम शरीफ के अंदर। लवन पानी तक की लगे थे आखन तक ये रहे जनाब, पानी भी ले लिया ठंडा। तो हरम के अंदर आ गए हम, तो अभी चलते हैं सीधे अंदर, बाहर गर्मी है यार। इस जो पत्थर लगा हुआ है ना हरम के अंदर, ये वाइट जो है, ये तो आंखें बिल्कुल नहीं खुलने देता है, इतनी ज़्यादा आधी गर्मी तो इसकी वजह से है।
धूप इसको ना टच करके बिल्कुल आंखों में ऐसे आती है ना। इधर इधर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऊपर आ गए हैं, शुक्र किया वल्लाह। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, वो भी हरम के अंदर, बाहर महसूस नहीं हुई है क्योंकि अंदर वाइट कलर का पत्थर लगा हुआ है जिसकी वजह से ज़्यादा महसूस होती है गर्मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ गए हैं, ये ऊपर देखें नज़ारे ऊपर के, आपको दिखाता हूँ साइड से। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, बैठ के जगह मिल गई है इधर, इधर ही बैठेंगे इंशाल्लाह, इधर ही जमा अदा करेंगे और जुमे के बाद इंशाल्लाह आपको जो है नज़ारे भी कराएंगे हरम के और फिर इंशाल्लाह घर जाएंगे। ਫਾਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲ ਝੜ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਜੁਮਾ ਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਧੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੋ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਅਭੀ ਜਾਏਂਗੇ ਵਾਪਸ ਘਰ, ਤੋ ਹਰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਖੇ पाँच पाँच लिया كم حبة؟ 10 ريال 10 10 देखते हैं बच्चों के लिए छोटे जो ابي شرم 10 10 10 ريال بابا 10 ريال ابي
20 10 بلاش ما شاء الله تبارك الله ابي 20 10 ابي 20 10 10 بلاش یہ جو مارکیٹ ہے یہ چھوٹی سی نا ہر جمعے کے بعد جو ہے تقریبا ہر نماز کے بعد لگتی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ بیچ رہے کعبہ کے دیکھیں ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں ڈیکور کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے ذکرہ مکہ حرم والله کوئی حلو ہدیہ مکہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ بھائی اتر رہے ہیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے ایک ایک ریال کی ہے ساری چیک تو کریں نہیں بہت تیز ہے یار دیکھیں اس نے بھائی پانی میں گھڑیاں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں اس نے بولا بھائی چیک کر کے لو یہاں سے گئے تھے یہاں سے پانی پیا تھا اسٹارٹنگ میں وہاں بھائی آ گئے ہیں جمعہ ادا کر لیا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ پانی تقسیم کر رہے ہیں جو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے جمعہ کے بعد گرمی بھی زیادہ ہے جانے کے ٹائم پہ نہیں تھی ابھی گرمی بھی زیادہ ہے اور صحیح ٹھنڈا پانی تقسیم کر رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی لے لیے جی چیک کریں ماشاء اللہ کتنا خالی کا پوری بڑی گاڑی بھر کے لائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے جی اور یہ ساری گاڑیاں جانے والی ہیں ریاض دمام مدینہ تبوک ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنیے نا آوازیں مدینہ کی بھائی ابا خمیس بھائی ماشاء اللہ رش بھی ماشاء اللہ کافی تھا حرم کے اندر اور دیکھیں ماشاء اللہ کیسے پانی تقسیم کر رہے تھے اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے مکہ والوں کی خاصیت ہے ماشاء اللہ خدمت کرنا حجاج کی ماشاء اللہ تو ابھی ہم بھی جائیں گے گھر کی طرف ہی تو اس ویڈیو کا جو ہے وہ ادھر ہی اینڈ کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اسی کے ساتھ ہی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت اللہ حافظ